लॉरेंस इतना बड़ी बात बोलता है ना कि हम सलमान को मार देंगे, बहुत घटिया हरकत हुई है लॉरेंस। हौत हो गया तेरा, मुंबई में तेरी ये हरकत चलने नहीं देंगे। ये एक देशद्रोही है। राजस्थान का मुख्यमंत्री वो बोलता है सलमान खान को माफी मांगना चाहिए घंटा। मैं किसी के डर से और दबाव से ये बात नहीं बोलूंगा। तो नदीम भाई, अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जो चीजें हो रही है आज से पहले कभी हुई नहीं थी, जैसा कि अभी बाबा सिद्दीकी साहब के साथ में जो हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने बोला महाराष्ट्र में ये चीज़ें पहले कभी हुई नहीं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ। महाराष्ट्र में इससे बड़े बड़े हादसे हुए, इससे बड़े बड़े गैंगवार हुए, लेकिन धर्म के नाम पे कभी नहीं। गैंगवार हुई है तो लोगों के आगे एक रीज़न है, एक्सट्रैक्शन मनी, दुश्मनी, गैंगवार, ये कंपनी राजन कंपनी, लेकिन ये तो एक अलग ही कंपनी खड़ी हो गई, तो समझ में ही नहीं आ रही। लॉरेंस कभी कहते हैं कि मैं सलमान को इसके लिए मारना चाहता हूँ कि वह हमारे जिसको हम भगवान मानते उनको उसने मारा है, ठीक है ना। दूसरी बात, कभी ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का जो दोस्त रहेगा और सलमान खान का जो दोस्त रहेगा उसको मारेगा वो, हाँ क्या बोलता हूँ, दाऊद से कोई लेना देना नहीं है इंडियन मुस्लिमों को। दूसरी बात, बॉलीवुड का कोई भी स्टार हो, ठीक है ना, कोई किसी से भी मिल सकता है, सलमान के करोड़ों फैन है, मारेगा क्या उसको, मारेगा क्या? ऐसे न्यूज़ वाले बताते कि हज़ार लोग की तादाद है लॉरेंस बिश्नोई की, सलमान की कम से कम है ना करोड़ों अरबों की फैन फॉलोइंग है। अगर सलमान ने आवाज़ दे दी ना तो समझ लेना ये कहाँ जाएगा। दूसरी बात, बहुत घटिया हरकत हुई है बांद्रा जैसे सिटी के अंदर मुंबई में, ये इतनी घटिया हरकत हुई है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर इन्होंने बहुत गलत किया शहीद करके, इनको कानून से सज़ा मिलनी तो चाहिए ही चाहिए और लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए। ऐसे सड़े हुए गैंगवार को खड़ा नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई है ये जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर से ये रिक्रूट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है ऐसा बोल नहीं सकते। मैं किसी के डर से और दबाव से बात नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट का कोई ऐसा सपोर्ट ही नहीं है। आप कोई भी जेल में जाओ, अगर आपसे सुपरिटेंडेंट सही है, डिपोटी सही है, सर्कल इंचार्ज सही है, तो आप मोबाइल हाथ में रख लिए, टेक्नोलॉजी इतने आगे, मोबाइल हाथ में रख लिए, थोड़ा सा नाम है, बाहर पैसे मिल गए, अंदर से आदमी एक नहीं 10 मर्डर करवा दे, अंदर से गैंग चला सकता है, ऐसा उसके पीछे सपोर्ट है बोल के कुछ नहीं है। और सपोर्ट है तो किसका सपोर्ट है, मेरे को ये बताओ ना, कमी गवर्नमेंट की है। लॉरेंस इतना बड़ी बात बोलता है ना कि हम सलमान को मार देंगे, नहीं माफ़ी मांगे, नरेंद्र मोदी से ऊपर है क्या, हो ऊपर है क्या, क्या हमारे सीएम के ऊपर है क्या? नहीं ना, एक अपना सा स्टूडेंट आया अपनी ज़िंदगी में, नहीं अपनी लाइफ में चार लड़के पकड़ा, यंगेस्टर और गैंगवार हो गया, इसको गैंगवार बोलते हैं क्या? अभी बहुत बच्चा है लॉरेंस, और तूने जिसके ऊपर ये हरकत की ना, इधर सुन, बहुत से होंगे जो बाबा साहब के साथ में फ़ोटो खिंचा के बोलते रहेंगे हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, देखो हम कुछ बहुत कुछ है, हम टीआरपी वाले नहीं है, याद रखना हम टीआरपी वाले बिल्कुल नहीं है। आज तक बाबा साहब से अपने एक फ़ोटो नहीं लिया, लेकिन बाबा जो था ना बाबा सिद्दीकी अपना पुराना यार था, याद रख, इस बारे में तो कभी अपन ने बोला ही नहीं। लॉरेंस हौत हो गया तेरा, मुंबई में तेरी ये हरकत चलने नहीं देंगे। बात है ना भाई मुंबई और सलमान की नहीं है, बात हमारे ना शहर की है, बाहर का गैंगस्टर यहाँ पे आके गैंगस्टरगिरी दिखाएगा, हाँ तो मुंबई के मियाँ भाई क्या मर गए लेके, क्या हम क्या हिजड़े क्या ताली मारते बैठेंगे? अरे चल देखते तेरी चैलेंज को। चल नदीम भाई, अभी जो लॉरेंस ने बिश्नोई घराने के हिसाब से जो बोलकर उन्होंने किया था, उनके ये करने के बाद में बिश्नोई के जो खानदान थे उन्होंने भी उनको ये कर दिया कि हम इनको अपने इसका नहीं मानते। आपने बोला ना, एक बाइट में सुनो, बिश्नोई खानदान वेरी रिस्पेक्टफुली खानदान, ठीक है, वो माता जिन्होंने इनको जन्म दिया, वो पिता, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने मेरे घर में मेरे बच्चा सूरवीर को जन्म दिया, वो ये बोलेंगे कि मैंने राक्षस को जन्म दिया।
क्या ये एक देशद्रोही है? ये पैसे के लिए कर रहा है, खंडी के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है कि अर्पी के लिए कर रहा है? और सुन रहे, तेरे ये बोलने पे ना तेरे को एक बाइट दिया था महीने दो दिन पहले, और उस पर भी बहुत चालू है मेरे पे। सुनना, तेरे को क्या लगता है तू इस भाई बनता है ये कह रहे? मुंबई मुंबई मालूम ना, इंडिया के अंदर अंडरवर्ल्ड इधर ही से पैदा हो। अभी तू बहुत बच्चा है, तू जिस समुंदर में तैरने सोच रहा है ना वो समुंदर के सार्क मच्छी। हम गैंगवार की बात नहीं कर रहा हूँ, समझा? हम भी बीवी बच्चे संभालते, तेरी तरह हरकत नहीं करते, लेकिन जब भी तेरे दिल में होवे ना कि अब सलमान कौन है इसको, अरे नदीम दाड़ी नाम है मेरा, जा स्त्री का जा, आ जा वेलकम। इस तरह की भी खबरें आ रही है सर, सर इस तरह की खबरें भी आ रही है कि इसमें बिल्डर्स जो है वो भी हो सकता है बिल्डर। हो सकता ये जो बाबा सिद्दीकी ने जो किया है ये बिल्डर्स लोगों की तरफ से कुछ किया होगा, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो इंटरोगेशन करेंगे ना पुलिस, अगर बिल्डर्स लॉबी ने इनके ऊपर हाथ डाला तो इंटरोगेट करेंगे, बराबर है? मैं क्या बोला, ये ना जेल के अंदर बैठ के फोकट का बिल का कंधा उठा रहे है। कौन? लॉरेंस। किसका भी मर्डर कर दो, मैंने इसका मर्डर किया, मैं बोलता मैं लॉरेंस का छोकरा हूँ, तो ये बिल्टी लेने को तैयार है। वो चूतिया है लॉरेंस जो बिल्टी पे बिल्टी लिए जा रहे है। और इंटेलिजेंट, ये छोटे मोटे की विकेट हुई है क्या? छोटे मोटे का कत्ल हुआ है क्या? ये एक बहुत बड़े नामचीन बाबा सिद्दीकी, जिस एरिया में खड़ा हूँ मैं बैंड्रा में, बैंड्रा का नामचीन आदमी, उसकी हत्या हुई है। तो मुंबई पुलिस छानी है, मुंबई पुलिस बहुत शार्प है, वो देख लेगी भाई। लेगी मुंबई पुलिस काफी वक्त से ना गुजरात वालों से ना लॉरेंस बिश्नोई का ये मांग रही है कि हमें भी दो, हमें थोड़ा पूछताछ करना है, पर गुजरात की जो गवर्नमेंट है, गुजरात की जो पुलिस है, देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट को नहीं। बात देखो क्या होता है, गुजरात पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस, प्रेशर होता है एमएलए मिनिस्टर्स का, चीफ मुख्यमंत्री, मैं तो सुना हुआ राजस्थान का मुख्यमंत्री वो बोलता है सलमान खान को माफी मांगना चाहिए। घंटा कैको मांगेगा माफी, क्योंकि एबीपी न्यूज में ना इंटरव्यू दिया था लॉरेंस बिश्नोई ने, वो मंदिर में जाके अगर माफी मांगे तो हम उन्हें माफ कर दे। आप उसको ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर किसी के धर्म पे अगर मैंने कोई लांछन लगाया या उसके धर्म की वजह से उसका दिल दुखा है तो माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। लेकिन अगर जब तुमको माफी मंगवाने का था तो सलमान खान को जेल में क्यों डाले, उस पर FIR क्यों रजिस्टर्ड किए और उसको 5 साल की सजा क्यों दिए? दे दो इसके हाथ में, बिश्नोई के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट सारे जज को बोलो घर पे बैठ, और पुलिस स्टेशन के अंदर से सब पुलिस कर्मियों को निकालो, इसके शूटर बैठा दो, नहीं भाई ये गुनाह किया गोली मार देने तो माफ़ी नहीं मांगेगा। अरे यार कमी किसकी हमारे में, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की, उन्होंने इन चीज़ों को ना एक्शन में लेना चाहिए। मैं एक बात तो मैं कह रहा हूँ, एक्शन में लेना चाहिए, ऐसे बिश्नोई को ठिकाने लगाना चाहिए। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब ने उनको कहा था सलमान पे जब फायरिंग हुई थी कि हम बिश्नोई बिश्नोई कोई नहीं होता, हम मिट्टी में मिला देंगे। साहब आता काय झाला, तुम्ही स्टेटचे मुख्यमंत्री आहे साहेब, ते काय केलंस? हमारा एक बाबा सिद्दीकी साहब उसको मिट्टी में मिला दिया, आपने बोला वो सिद्दीकी को करके दिखाया, सिद्दीकी साहब को बराबर है, अभी आप शमशान घाट पहुंचा के दिखाओ, उसको दिखाना चाहिए। छोटा सा रेप होता है मुमरा में काउंटर हो जाता है, छोटी सी चीज़ होता है आरोपी पे काउंटर होता है, 5 और 4 आरोपी पकड़े गए, एक का भी एनकाउंटर नहीं होता, बराबर घर से लाए। मुंबई के अंदर प्रदीप शर्मा जैसे, दया नायक जैसे, राकेश मारिया जैसे, दशरथ अवार्ड जैसे, अरुण चौहान जैसे, बराबर है, ऐसे सूरवीर वापस लाओ। लॉरेंस ने पाकिस्तान तक अपना गैंग बना दिया है, तो देशद्रोही वही है ना। अरे अक्कल के ढक्कन खोलो जरा, बॉलीवुड को निशाना बनाए थे ना तुम लोग, लॉरेंस बिश्नोई तो साला POK धक्का बना के रखा है, पाकिस्तान का चैनल निकला, अब क्या आतंकवादी का चैनल नहीं लगा उस पे? जितने दाढ़ी वाले वो आतंकवादी, लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान बात करता है ओपन, अब वो आतंकवादी नजर नहीं आता, और बात करेंगे हम हिंदुत्ववादी है, हम धर्म के लिए, अरे जो देश से प्यार करता है ना वो पाकिस्तान से नफरत करेंगे। अभी भी कसाब को हमने भूला नहीं है, भूला क्या तुम? कसाब को दफन होने दिए? अरे लॉरेंस
पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोहेले थे, आप जाग गए, समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को, मुंबई के शेर जाग गए, घंटा हम हमारी बीबी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे, आ जा तेरे भेज नदीम भाई। इस बीच में अभी और भी दो चीजें निकल के आई है, जो सालों पुरानी एक दुश्मनी थी, विवेक ओबरॉय, उन्होंने भी कहीं ना कहीं छुप के आड़ में सलमान खान को धमकी दी, और उसके बाद में जो अंधभक्त थे उन्होंने काफी खुशी जताई ये सब होने के बाद में, जिसके बाद में उनको काफी बैकलैश मिला था। ऐसा नहीं है बॉस, अभी देखो आप चैनल वाले आप कुछ भी सवाल कर सकते, लेकिन विवेक ओबरॉय ऐसा सलमान पे करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, क्योंकि अभी उनका एक ट्वीट, ये इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ था, जो बिश्नोई ने बोला था, क्वेश्चन मार्क देखो, नथिंग, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नथिंग, बराबर ना। यहाँ पर ऐसा भी देखा जा रहा है, मेरे को नहीं लगता विवेक ओबरॉय ने, सर यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही भी हुई है, क्योंकि पुलिस जो गवर्नमेंट को पता चल गया था कि इस तरह के धमकी मिल रहे हैं, तभी भी सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई। आप क्या कैसे देखते हैं, 15 दिन पहले पता धमकी मिला था मील के, किसकी सिक्योरिटी बढ़ाई थी बाबा साहब? हाँ, उनकी बढ़ानी चाहिए थी, फिर भी चार छुप नहीं बढ़ाए ना, नहीं बढ़ाया। आतिक अहमद का मर्डर मालूम है? आतिक अहमद का इलाहाबाद में हुआ। आतिक अहमद यूपी का बहुत बड़ा सरगना डॉन था, उसको कम से कम पूरा प्रोटोकॉल से लाना चाहिए, AK-47 के साथ उनके बीच में 3 लड़कों ने घुस के जुगाना आर्म्स एक्ट से मर्डर किया कि नहीं, ये है ना, मैं सुना हूँ आतिक अहमद के गुनहगार भी छूट गए बाहर आ गए। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ या कोई और बोले, तो किसी भी ऐसे एक सेलिब्रिटी की कंप्लेंट पे महाराष्ट्र प्रशासन ने, इवन पुलिस ने, गृह मंत्री ने सीरियस लेना चाहिए, ताकि इस पर अटैक हो सकता है या नहीं, बराबर। खबरी नेटवर्क कितना अच्छा है, लेकिन इसके लिए खबरी नेटवर्क फेल हो गया क्या? कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है लॉरेंस, अभी भी बोलता हूँ, ओपन आके बोल दे यार छोटे, तो बोल दे ये मर्डर तूने नहीं करा है, हमारी मुंबई की पुलिस ढूंढ लेगी उसको, और ढूंढ के ना उसको दिखा देगी, बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।